ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के मंडावली इलाके से पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के सिर पर आशिकी का ऐसा जुनून सवार था कि महिला ने अपने दोनों बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा और अपने पति की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल पश्चिम दिल्ली के मंडावली इलाके से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक शातिर पत्नी ने पहले तो अपने पति को खूब शराब पिलाई, फिर उसकी लात घूसों से जमकर पिटाई की और जब तक वे बेहोश नहीं हो गया तब तक उसके लीवर और गले पर वार करते रहे। इस घटना का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हुआ। पुलिस ने बताया कि 4 दिसंबर को एक सूचना मिली थी कि रेलवे कॉलोनी में रहने वाले सुरेश को बेहद ही नाजुक स्थिति में LBS अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा 7 दिसंबर को मृतक सुरेश का पोस्टमार्टम कराया गया और शव को उसकी पत्नी हेमा और भाई दीपक को सौंप दिया गया। इस दौरान पत्नी और बेटे समेत कई परिजनों के बयान दर्ज किए गए और किसी ने भी मृतक की मौत पर संदेह नहीं जताया, क्योंकि पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन PM रिपोर्ट में लिखा गया था कि सुरेश के गर्दन, सिर, छाती और पेट पर बाहरी के साथ साथ आंतरिक चोटें भी पाई गई है। इस मामले में पुलिस ने जब महिला से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने ये कहकर बात टाल दी कि मैं अभी सदमे में हूँ, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। तभी पुलिस को इस पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की पहचान हेमा और सचिन के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर